हेलो विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी कैटेट काउंसलिंग 2023 के प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 20 जून से काउंसलिंग का फर्स्ट प्रोसेस जो होता है रजिस्ट्रेशन, वो स्टार्ट हो जाएगा। काउंसलिंग में भाग लेने से पहले हर किसी विद्यार्थी के मन में होता है कितनी रैंक लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं, कितनी रैंक तक कौन सा कोर्स मिल सकता है। तो उसके पहले वीडियो में बात करेंगे आज के सेशन में कि कितने रैंक तक आपको कौन सा कोर्स मिलने की संभावना है और आपको भाग लेना चाहिए। एक्चुअली यूपी कैट एग्जाम के बारे में आप सभी को पता है कि इसकी जो कट ऑफ है, यानी कट ऑफ का पीडीएफ, जैसे आप देखें अदर किसी एग्जाम में नीट जेई कोई एग्जाम होता है उसकी कट ऑफ के पीडीएफ आपको मिलेगा साइट पर, लेकिन यहाँ पर कोई भी कट ऑफ का पीडीएफ नहीं मिलता है। तो जानकारी बच्चों को नहीं मिल पाती है कितनी कट ऑफ गई थी। लोग तुक्का लगाते हैं, तुक्के में कई सारे फ्रॉड वीडियो चलते रहते हैं मार्केट में, यूट्यूब पर आप देखेंगे अलग अलग तरीके अलग अलग जानकारी देंगे, लेकिन अगर आप सही जानकारी लेंगे तो यूपी कैटेट जो स्टूडेंट्स 2022 में सेलेक्ट हो चुके हैं, चाहे बीबीएससी में हो या फिर एग्रीकल्चर में हो, हॉर्टिकल्चर में हो, यूनिवर्सिटी में अगर जाकर पता करेंगे बच्चों से तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। हम बात करेंगे पिछली जो कट ऑफ थी उसी के बेस पर आपका अगर एडमिशन लेना, आपको सबसे पहले बात करेंगे बीबीएससी के बारे में, इसके बाद अगले वीडियो में बात करेंगे काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है। एक ही वीडियो में आपको काउंसलिंग का पूरा जानकारी आपको कंप्लीट मिल जाएगा, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम वेटनरी साइंस के बारे में। वेटनरी साइंस में यहाँ पर देखिए जो आपका सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है आपकी कम्बाइंड यूजी रैंक कितनी है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं ग्रुप रैंक बता करके बच्चों को गुमराह करते हैं और बाहर रिजल्ट दिखा करके बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा बचते रहिएगा, ये लोग केवल एक साल खराब करते हैं, कुछ उनको आता पाता नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे हम वेटनरी साइंस के बारे में। वेटनरी साइंस अगर हम बात करें जनरल, अगर आप स्टूडेंट्स हैं जनरल कैटेगरी के तो 250 अगर आपकी यूजी कम्बाइंड रैंक है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, थोड़ा सा मैं अभी अपने पैतृक देहात में हूँ तो थोड़ा सा वीडियो उतना अच्छा हो सकता है आपको ना लगे, लेकिन अगर आप थोड़ा पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एडिटिंग यहाँ पर नहीं हो सकता है क्योंकि नेटवर्क इशू है। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप 250 रैंक तक हैं यूजी कम्बाइंड तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सीट भी आपको मिलेगी वेटनरी साइंस में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो अगर आपकी यूजी कम्बाइंड रैंक 400 रैंक तक है तो आपको मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि मैं बता दूं 399 रैंक एक बच्चे की थी जो बच्चा एनडी यूनिवर्सिटी में फैजाबाद में, जिसको लास्ट ईयर 2022 में मिला था सीट वेटनरी साइंस का। इसलिए जो विद्यार्थी देखिए जो विद्यार्थी वेटनरी साइंस करना चाहते हैं बीबीएससी, वो केवल वही विद्यार्थी कर सकते हैं जिन्होंने 10+2 पीसीबी से पास किया, पीसीबी एग्जाम दिया है। पीएजी ग्रुप स्टूडेंट्स, पीसीएम स्टूडेंट्स यहाँ पर वेटनरी साइंस में कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते, ये बात आपको पहले से पता है, ठीक। अब विद्यार्थी जो एससी कैटेगरी के हैं, अगर आपकी यूजी कम्बाइंड रैंक 500 रैंक तक है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं 600 रैंक तक यूजी कम्बाइंड तो आप भाग ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, तो आप 700 रैंक तक आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये मैंने जो बात किया है 250 जनरल, ओबीसी 400 रैंक तक, एससी 500 रैंक तक, एसटी 600 रैंक तक और फिजिकल हैंडीकैप का 700 रैंक तक, इसलिए उनको सीट मिलने की संभावना है। चूंकि देखिए अभी पीसीबी वाले बच्चों ने इस बार सबसे अच्छा रिजल्ट दिया है, सभी को पता, चूंकि बायो और केमिस्ट्री पेपर बहुत ही इजी था, बहुत ही घटिया पेपर था, इसे बोलना चाहिए बहुत ही घटिया पेपर, मतलब बहुत ही लो पेपर था। अब उसमें पीसीबी कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक नहीं 200 रैंक तक जिनकी टॉप रैंक में है, अब ये स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे नीट में, तो 100% कहीं ना कहीं नीचे जो लोग जब 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 सीट छोड़ते हैं तो वो सीट वैकेंट होती है, और जो जिसकी जिसकी रैंक ज़्यादा होती है वो सीट में आ जाते हैं। हालांकि उतना ही, लेकिन फ़र्क तो पड़ता ही है जब सीट कोई छोड़ता है तो जिनकी रैंक ज़्यादा है, ठीक है, पीएजी ग्रुप वाले हों या पीसीएम वाले हों, सब रखें, काउंसलिंग जरूर कराएं। काउंसलिंग कराने में देखिए काउंसलिंग वही लोग कर सकते हैं जिनके रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा है। अगर आपके रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा है तो आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक। तो वेटनरी साइंस के बाद अब बात करेंगे हम बीएससी एग्रीकल्चर की कट ऑफ के बारे में, क्योंकि वेटनरी साइंस के बाद जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहती है वो रहती है बीएससी एजी की। इसके बाद हॉर्टिकल्चर है, फिशरीज है, फॉरेस्ट्री है, बीटेक एजी है, बीटेक डेयरी है, इनमें कट ऑफ जो है बहुत ही लो रहती है, ज़्यादा कट ऑफ रहती है बीएससी एजी की, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर एक ऐसी डिग्री है जिसको करने के बाद कोई भी गवर्नमेंट जॉब में कहीं भी आपको बाधा रुकावट आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएससी एजी के बारे में। अगर आपकी जनरल रैंक है और आप 1100-1200 रैंक तक अगर आप अप्लाई करते हैं 1200 रैंक तक, तो आप बीएससी एजी की फ्री सीट पर आप जो है आप दावा कर सकते हैं, आपको सीट मिल सकती है।
2022 में 1200 रैंक पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स था जिसने पेड सीट ली थी, लेकिन इस बार मैं समझता हूँ कि आपकी सीट यहाँ पर मिलनी चाहिए 11 से 12 रैंक तक। ओबीसी के अगर 1400 रैंक तक है तो आप जरूर पार्टिसिपेट करें फ्री सीट के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1500 रैंक 1600 ही हो सकता है ओबीसी को नहीं मिले, हो सकता है 1700 रैंक तक ओबीसी को मिल जाए अगर क्वालिफाइड आप भाग ले सकते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जिसको 100% सीट मिल जाएगी बीएससी एजी के लिए, उन सभी के बारे में, ठीक है। अगर आप एससी कैटेगरी हैं 2000 रैंक तक आपकी है तो आप जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं बीएससी एजी के लिए, मिलेगी आपको सीट। एसटी कैटेगरी के हैं 25 रैंक अगर है आपकी तो आप जरूर भाग लें। इसके बाद आप बीटेक एजी बीटेक डिग्री जो भी आप 3000 4000 स्टूडेंट्स अगर हैं इसकी रैंक के अंतर्गत तो आप ले सकते हैं। फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं आप 4000 रैंक तक है 45 तक है तो भी आपको सीट मिलने की पूरी पूरी संभावना है। देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको चर्चा किया है ये क्वालिफाइड सभी बच्चों के लिए है, ठीक है। जो विद्यार्थी पीसीबी और पीसीएम से हैं, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर आपकी रैंक 2500 के ऊपर है लग रहा है कि मुझे सीट नहीं मिलेगी, ठीक है, तो अभी आप लोग कहीं पर भी किसी भी संस्थान में अभी आप कहीं भी कोई पैसा जमा जमा करने जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग बहुत ही लो कॉस्ट पर इस बार फर्स्ट टाइम यूपी कैडेट की रैंक के आधार पर जो भी आपका 1 ईयर बैच है 1 साल का बैच है उसमें हम परसेंट के आधार पर इस बार जो एडमिशन लेंगे बता देंगे आप कितनी आपकी रैंक अगर है तो इतने परसेंट आप फीस में छूट पा सकते हैं, 1 साल का आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप कहीं पर कोई भी फीस ज्वाइन नहीं आपको देनी है, बैच आपको ज्वाइन नहीं करना है, पहले आप काउंसलिंग में भाग लें, जब लगे आपका एडमिशन नहीं है तब आप जो है नए साल के लिए तैयारी आप शुरू करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इतना ही, कोई अगर प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू।